हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और आगामी 3 दिनों तक 16,000 परिवारों के 80,000 के करीब लोगों के प्रशासन के द्वारा स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। वहीं इस काम के लिए पहले दिन प्रशासन की 64 टीमों के अलावा 25 मेडिकल ऑफिसर्स की टीम फील्ड में उतार दी गई है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि दोनों व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण आने के बाद जिला भर में सावधानियां बरती जा रही हैं। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि दोनों व्यक्तियों में सामान्य फ्लू लक्षणों के बाद डॉक्टर राधा कृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इन दोनों सहित 3 व्यक्तियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। 2 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि होने के उपरांत कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी सावधानियां अपनाई जा रही हैं। दोनों को देर रात ही सेकेंडरी आइसोलेशन सुविधा स्थल RCH भोटा में भेज दिया गया है। इनके संपर्क एवं यात्रा विवरण की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कल शाम देर रात को 17 अप्रैल को अनफॉर्चुनेटली हमीरपुर के लिए 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए और ये केसेस जो फ्लू लाइक सिम्टम्स में जो रैंडम सिलेक्शन है उसके थ्रू मेडिकल कॉलेज से भेजे गए थे 3 सैंपल। उसमें से जोर छप्पड़ से दादों सबने से एक वार्ड नंबर 7 और नियर बाई पंचायत के बॉर्डर से ये सैंपल पाए गए थे। हमने जो पूरे हमीरपुर MC एरिया उसके सराउंडिंग की पंचायत उसको कंटेनमेंट जोन डिफाइन किया है, जिसमें 3 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। उसके बाद जो 5-7 किलोमीटर की जो एरिया में डिफरेंट पंचायतें आती हैं उनको हम बफर जोन डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह जोर सप्पड़ में जो एरिया है कंटेनमेंट जोन वो हमने डिफाइन किया नियर बाय डिफरेंट पंचायतें इंक्लूड करके। अब हमारे जैसे ही दोनों केस की रिपोर्ट आई हम लोगों ने कंसर्न पर्सन को भोटा जो सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी वहां शिफ्ट किया और वी आर टेकिंग ऑल द केयर्स एज पर प्रोटोकॉल है कोरोना के हैंडलिंग का। उपायुक्त ने बताया कि संक्रमण एरिया के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन में 16,000 परिवारों के 80,000 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा 3 दिनों में 100% स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज टीमें भेज दी गई हैं और स्क्रीनिंग की जा रही है। जितने भी जो पहले फेज में कंटेनमेंट जोन जो हमने डिफाइन किया है इसमें लगभग 10-15,000 फैमिली आई है दोनों जगह को मिला के 12,000 के आसपास। हमीरपुर में 4-5 हजार के आसपास नदों सबकी जिन तो जैसे जैसे उसमें हम लोग उसके बाद बफर जोन को भी हम लोगों को स्क्रीनिंग करनी है तो हमने टारगेट रखे हैं कि विद इन 3 डेज में हम लोग टोटल 100% स्क्रीनिंग करेंगे। आज भी हम लोगों ने 64 टीम्स उनके सुपरविजन के लिए 25 मेडिकल ऑफिसर्स वो लगाई हुई है वो सारा स्क्रीनिंग कर रही है जो जो उसमें प्रोटोकॉल होता है वी विल इवेट द रिपोर्ट्स। उसके अलावा हमने मोबाइल जो वैन है सैंपल कलेक्शन के लिए वो उसके अलावा अदर टीम्स जो ट्रेन हमने की हुई थी सैंपल कलेक्शन के लिए हमारा ये टारगेट है कि हिस्ट्री ट्रेसिंग मैक्सिमम ट्रेसिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन और टेकिंग द मैक्सिमम सैंपल्स उस पर हम लोग रिलाई कर रहे हैं और नेक्स्ट 2-3 डेज में हम 100% इसकी स्क्रीनिंग करके मैक्सिमम सैंपल भेज के वी आर ट्राइंग। उपायुक्त ने बताया कि दोनों संक्रमित लोगों को किस तरह का किससे संपर्क हुआ है और केस हिस्ट्री के साथ ट्रेवल हिस्ट्री का भी प्रशासन पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि पूरा हमीरपुर जिला सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की कर्फ्यू में राहत नहीं दी जा रही है। कि किस तरीके से का कॉन्टेक्ट रखा कैसे केस की हिस्ट्री रही वो सारा हमारे सर्विलेंस टीम पुलिस की पूरी टीम हमारे सारे ऑफिशियल्स इसमें लगे हुए हैं।
फॉर द टाइम बीइंग हमने जैसे ही रिपोर्ट स्ट्रीम वगैरह का सारा रखा नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को फिलहाल हमने सील कर रखा किया है। कंटेनमेंट जोन में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है फिलहाल रिलैक्सेशन देने का, और फॉर टाइम बीइंग टूडे हमने टोटली शट डाउन रखा है। और हम यही अपील कर रहे हैं कि जब तक इन केसेस की सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती, एवरीबडी विल बी लाइक इन कंटेनमेंट एरिया, दे आर इन आइसोलेशन ऑफ क्वारंटाइन।